ये हमारे पास वायरस चैप्टर स्टार गेट के एमसीक्यूज हैं, इनकी हम डिस्कशन करते हैं। ओके, फर्स्ट वन है रेबीज इज ड्यू टू रेबीज, हमारे पास वायरस की वजह से होता है। ये है वायरस आर द पार्टिकल्स ऑफ, सो वायरस आर द पार्टिकल ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। द मेजर सेल इन्फेक्टेड बाई एच आई वी, तो वो हेल्पर टी लिम्फोसाइट है। ऑफ द फॉलोइंग विच इज रेट्रोवायरस, तो एच आई वी की जो क्लास है ना वो हमारे पास रेट्रोवायरस कहलाती है। ठीक है, वायरस के नॉट मल्टीप्लाई ऑफ देयर ओन बिकॉज दे लैक सेलुलर मशीनरी टू यूज इट्स जेनेटिक मटीरियल। फिर है वायरल जीनोम इनकॉर्पोरेटेड एंड इंटीग्रेटेड विद बैक्टीरियल जीनोम इज रेफर टू हैज, तो वो हमारे पास प्रोफेज कहलाता है। बैक्टीरियल और ह्यूमन में हमारे पास फिर प्रो वायरस कहलाता है। ठीक है, द ब्रांच विच डील विद द स्टडी ऑफ वायरस, वो हमारे पास वायरोलॉजी कहलाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट कॉज्ड बाय वायरस, तो वो क्लोरिया ही काज नहीं होती वायरस, वो बैक्टीरिया करता है। ठीक है, बाकी ये पोलियो हो गया, हेपेटाइटिस, इन्फ्लुएंजा, ये सारे वायरस है। टुआर्ट इन 1915 एंड डी हेल इन 1917 डिस्कवर्ड, तो उन लोगों ने हमारे पास बैक्टीरियोफेज डिस्कवर किया था। बैक्टीरियोफेज रेप्लिकेट ओनली इन, तो बैक्टीरिया में हमारे पास। ठीक है, तो स्मॉल पॉक्स हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस है बट इनवेलप भी है। एड्स इज कॉज्ड बाय एड्स, हमारे पास एचआईवी की वजह से होता है। ठीक है, चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट रिगार्ड एड्स इज एन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ये हमारे पास करेक्ट। इट इज कॉज बाय द रेट्रो वायरस एच आई वी, करेक्ट। एच आई वी सेलेक्टिवली इन्फेक्ट एंड किल बी लैम्फोसाइट, तो किल टी लैम्फोसाइट, हेल्पर टी लैम्फोसाइट, ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, रेट्रो वायरस है वाला नहीं, जीनोम दैट रेप्लिकेट वी डी एन ए, ये करेक्ट है। फिर है सी डी फोर रिसेप्टर आर प्रेजेंट ऑन, सी डी फोर रिसेप्टर हमारे पास हेल्पर टी लैम्फोसाइट पे होते हैं जिन पे एच आई वी अटैक करते हैं। विच आर द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन ऑल वायरसेस, सारे वायरस में हमारे पास क्या मौजूद होगा, तो इनमें हमारे पास प्रोटीन कैप्सिड, ठीक है, ये मौजूद होता है। ऑल आर प्रेजेंट इन एच आई वी एक्सेप्ट, एच आई वी में हमारे पास डीएनए नहीं होता, उनमें आरएनए हमारे पास होता है। शेप ऑफ टोबैको मोज़ेक वायरस, वो हमारे पास रॉड शेप है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिराइव फ्रॉम होस्ट बाई एच आई वी, तो इनवेलप भी डिराइव होता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज सेल मेम्ब्रेन, नाउ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज आ रहा नहीं, तो ये सारी चीज़ें हमारे पास। ठीक है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिराइव फ्रॉम होस्ट बाय एच आई वी, इनवेलप तो होते हैं हमारे पास, अपना जेनेटिक मटेरियल इनमें पाया जाता है, बट तैयार हमारे पास इनकी, क्योंकि इनकी अपनी मशीनरी नहीं होती, तो हमारे पास सिर्फ इसमें ये ही करेक्ट, इनवेलप हमारे पास। ठीक है, ऑल ऑफ दी, क्योंकि इनमें इंजाइम हमारे पास अपने मौजूद होते हैं। ठीक है, एच आई वी में और एच बी वी में, तो हम ऑल नहीं कह सकते, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज भी नहीं और ना ही हमारे पास आर एन ए। ठीक है, तो इसमें हमारे पास सिर्फ इनवेलप। फिर है रिसेप्टर फॉर अटैचमेंट ऑफ एच आई वी आर प्रेजेंट ऑन, टेल फाइबर पे हमारे पास मौजूद होते हैं। ठीक है ना, रिसेप्टर फॉर अटैचमेंट ऑफ एच आई वी आर प्रेजेंट, एच आई वी के लिए रिसेप्टर, एच आई वी किस टेल फाइबर के जरिए तो अटैच होता है, बट अटैच किसके साथ होता है, सेल मेम्ब्रेन पे अटैच है, तो रिसेप्टर पर मौजूद कहाँ पे होंगे, सेल मेम्ब्रेन पे ही हमारे पास इसके लिए रिसेप्टर मौजूद होंगे। ठीक है, हमारे पास कौन सा क्वेश्चन था कि विच आर द फॉलोइंग इज डिराइव फ्रॉम होस्ट बाय एच आई वी। अच्छा, फिर ऑल द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पोलियो वायरस एक्सेप्ट, तो ऑल द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पोलियो वायरस एक्सेप्ट, ये हमारे पास स्मॉल भी है, ठीक है, ये स्फेरिकल भी है, ए सेलुलर भी है, क्योंकि वायरस है डीएनए इनमें नहीं होता हमारे पास। ठीक है, अच्छा, हमारे पास जो होता है कि एच आई वी जो होता है ना हमारे पास, इन द वायरस दैट अकर, ये देखो ना, अगर हम इसको इस लिहाज से सोचते हैं ना, 18 वाला इनवेलप तो हमारे पास होता ही आता ही उससे। ठीक है, अब अगर वायरस जो होते हैं वो होस्ट के अंदर ही हमारे पास तैयार होते हैं ना, इन्हें उधर अंदर ही उन्हीं की मशीनरी यूज़ होती है, उसी से वो प्रोटीन बनाते हैं, उसी से वो एंजाइम वगैरह बनाते हैं। ठीक है, तो फिर हम ये आर ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है, अंदर उसी से ही हमारे पास न्यू फेजेस जो आते हैं। ठीक है, तो फिर हमारे पास डी जो है ना, ये बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, विच आर द फॉलोइंग डिराइव्ड फ्रॉम होस्ट बाय एच आई वी, तो फिर हमारे पास ये डी ही बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि वहीं पर हमारे पास ये तैयार होता है। ठीक है, अच्छा, फिर हमारे पास है कि एजेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर मेड कव इन्फेक्शन इज, तो प्रियंत, विच इवेंट ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ एच आई वी आकर इन न्यूक्लियस, नो
और प्रो वायरस हमारे पास ठीक है बनता है वहाँ पे कम्बिनेशन। फर्स्ट क्रिस्टलाइज्ड वायरस टोबाको मोज़ेक वायरस था हमारे पास। वायराइड इज इन्फेक्शियस, वायराइड हमारे पास इन्फेक्शियस आरएनए होता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंड एंजाइम कंटेन बाय, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज हमारे पास रेट्रो वायरस में होते हैं, हेपेटाइटिस बी वायरस में भी होता है ठीक है। एड्स विल लीड टू, इनमें बनता है हमारे पास ठीक है। लाइक फिर कब बनेगा, जब हमारे पास होस्ट में ये जाए ठीक है, क्योंकि जब न्यू फेज आएगा तो फिर इसी तरह हमारे पास इनमें। फिर एड्स विल लीड टू, एड्स के साथ लीड करेगा अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन इन अ न्यूली डिस्कवर वायरस यू माइट फाइंड, या डीएनए हम पाया जाएगा या उसमें हमारे पास आरएनए तो ठीक है, आर डीएनए आरएनए। फिर हमारे पास बैक्टीरियोफेज कंसिस्ट ऑफ आर मेड अप ऑफ, तो बैक्टीरियोफेज हमारे पास किस चीज पे कंसिस्ट होता है, न्यूक्लियो प्रोटीन। इट इज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ टी लेम्फोसाइट हमारे पास। फिर है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वायरसेस इज करेक्ट, तो वायरस आर देयर ओन मेटाबॉलिक वायरस फैकल्टेटिव पैरासाइट, ये करेक्ट है, उनकी मेटाबॉलिक सिस्टम नहीं होता, ये सारे हमारे पास होस्ट में जाते हैं वहाँ पे रेप्लिकेट वगैरह अपने न्यू हर चीज़ वहाँ पे बनाते हैं ठीक है। कंटेन आइदर डीएनए आर आरएनए, तो वायरस कंटेन आइदर या डीएनए या आरएनए हमारे पास, तो ये भी हमारे पास करेक्ट है ठीक है। तो ये करेक्ट है, वायरस कंटेन आइदर डीएनए आरएनए, ये करेक्ट है। वायरस आर इंट्रासेलुलर है हमारे पास पैरासाइट, इंट्रासेलुलर फैकल्टेटिव पैरासाइट है ठीक है। तो इन लोगों ने सिर्फ फैकल्टेटिव का वायरस आर रेडली किल्ड बाय एंटीबायोटिक्स, नो, तो बी वाला इज करेक्ट। द वायरस वाज फर्स्ट डिस्कवर बाय, पहले पहले हमारे पास किसने डिस्कवर किया था, इवानोस्काई ने। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर वायरस, तो कौन सी बात हमारे पास ट्रू है, मल्टीप्लाई ओनली इन होस्ट सेल, यस द जेनेटिक मटीरियल ऑफ रेट्रो वायरस एड्स इज, तो वो हमारे पास आरएनए होता है ठीक है, और सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। वायरस फ्री प्लांट फ्रॉम वायरस इज इन्फेक्टेड प्लांट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम, कहाँ से हम ऑब्टेन कर सकते हैं, मेरिस्टेम कल्चर। बहुत नीचे नहीं आ गए हम, इंटरफेरॉन आर प्रोड्यूस इन रिस्पॉन्स टू इन्फेक्शन ऑफ वायरसेस। मोस्ट आरएनए वायरस कैरी अ जीन फॉर एंजाइम दैट यूज़ वायरल आरएनए, है द टेम्पलेट इन द सिंथेसिस ऑफ मोर वायरल आरएनए। दिस एंजाइम इज, ये एंजाइम हमारे पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर रेट्रो वायरस, नो, डीएनए इज नॉट प्रेजेंट एट एनी स्टेट इन द लाइफ साइकिल ऑफ रेट्रो वायरस, ये हमारे पास रॉन्ग है। डीएनए तो नॉट ट्रू फॉर रेट्रो, डीएनए इज नॉट एट एनी कोई स्टेज में तो प्रेजेंट होता है, पहले पहले तो नहीं होता, लेकिन जब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन आकर होती है फिर बन जाता है हमारे पास ठीक है। फिर हमारे पास है कि 38 के विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, नो, सम वायरस हैज आरएनए हैज जेनेटिक मटेरियल, ये भी हमारे पास आरएनए इज जेनेटिक मटेरियल, बैक्टीरिया नहीं, हमारे पास आरएनए तो नहीं हो सकता, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, आरएनए इज आर वायरस नहीं, किसी का डीएनए भी डीएनए जन ऑफ सम ऑर्गेनिज्म, ये भी रॉन्ग है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ वायरस इज इलस्ट्रेटेड इन द डायग्राम, डायग्राम में हमारे पास कौन सा वायरस दिया गया है, ये हमारे पास टू स्टैंड ऑफ आरएनए है ठीक है, सिंगल स्टैंडर्ड है, तो और ये हमारे पास स्पाइक्स वगैरह तो एनिमल वायरस है ठीक है। एचआईवी व्हाट डज स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट, तो ये कौन, व्हाट डज सी स्ट्रक्चर, सी कौन सा है हमारे पास, ये वाला सी है ठीक है, तो सी स्ट्रक्चर कह रहा है कि क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये हमारे पास ये देखो ना, ये डी जो है ना, ये तो बिल्कुल डीएनए पे आ रहा है। फिर इन पे हमारे पास यहाँ पे ये कैप्सिड मौजूद है ठीक है, बुलेट शेप, तो ये हमारे पास कैप्सिड है, बी ऑप्शन करेक्ट है। फिर हमारे पास द एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एसेंशियली फाउंड इन ऑल रेट्रो वायरसेस इज आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है, ये हमारे पास ठीक है। बैक्टीरियोफेज किल, तो किसको किल करते हैं, बैक्टीरिया को हमारे पास। विच आर द फॉलोइंग आर इंट्रासेलुलर ऑब्लिगेट पैरासाइट, तो ये वायरसेस की बात कर रहे हैं हम, इंट्रासेलुलर ऑब्लिगेट पैरासाइट ठीक है, वो पीछे हमारे पास फैकल्टेटिव आया हुआ था। ऑल एंजाइम आर प्रेजेंट इन एचआईवी एक्सेप्ट रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज भी होते हैं, प्रोटीएज भी होते हैं, इंटीग्रेज लाइसोजाइम, लाइसोजाइम नहीं है ठीक है हमारे पास, क्योंकि वो तो टेल फाइबर वगैरह में, तो जो हमारे पास इनके अंदर मौजूद होते हैं हेड के अंदर, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इंटीग्रेज प्रोटीएज, ये तीनों हमारे पास मौजूद हैं इनमें ठीक है। सो यहाँ पे हमारी डिस्कशन ख़त्म होती है।